हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम जेट प्लांट की कटिंग को किस तरीके से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जेट प्लांट एक परमानेंट प्लांट है और काफ़ी कम केयर में ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। जेट प्लांट की जो कटिंग है उसे हम पूरे साल भर ग्रो कर सकते हैं और इसकी कटिंग को लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जेट प्लांट की छोटी बड़ी आप कैसी भी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी बहुत ही आसानी से लग जाती है। जब भी आप जेट प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो आप उसे ऐसी मिट्टी पर लगाएं जिस मिट्टी में पानी ना रुके। इसकी कटिंग को लगाने के लिए आप सिंपली जो आपके गार्डन की मिट्टी होती है उसमें आधी रेत मिला के इसकी कटिंग को लगा लें तो कटिंग बहुत ही अच्छे से चलेगी। या फिर आप जो सिंपली रेत होती है रेत ही रेत में भी इसकी कटिंग को ग्रो करेंगे तो इसकी कटिंग बहुत ही अच्छे से चलेगी। ध्यान रहे कि जिस मिट्टी पे आप इसकी कटिंग को ग्रो कर रहे हो उस मिट्टी में आप ज़्यादा कंपोस्ट ना डालें, क्योंकि कटिंग को ग्रो होने के लिए कंपोस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो जब भी आप इसकी कटिंग लगाने के लिए कोई कटिंग लें तो ऐसी कटिंग लें जो कटिंग हेल्दी हो। और अगर आपको लगता है कि हमसे कटिंग ग्रो नहीं हो पाती तो इस ऐसी कटिंग लें जो थोड़ा सा मोटी हो। इसकी जो थोड़ा सा मोटी कटिंग होती है जो इस तरीके की हल्की सी ब्राउन सी हो जाती है वो कटिंग इसकी 100% लगती है। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग ले लेंगे। आप बिगनर हैं कटिंग लगाने में तो हमेशा कटिंग को छोटे पॉट पे लगाएं, क्योंकि छोटे पॉट पे जब हम कटिंग लगाते हैं तो उसमें पानी रुकने का खतरा नहीं होता है। और कटिंग को जब भी लें तो उसकी जो नीचे की 1 इंच तक की जितनी भी पत्तियां होती हैं उन्हें सब निकाल के अलग कर दें। ये देखिए, इस तरीके से पूरी नीचे की पत्तियों को हम निकाल देंगे और इस कटिंग को हम सिंपली जो हमारा पहले से कटिंग का ये पॉट बनाया है इसमें मैं इन कटिंग को लगा दूंगी। मैं जो इस पॉट पे मैंने ये कटिंग लगाई है ये मैंने अक्टूबर पे लगाई थी, और ये मैंने अक्टूबर में लगाई थी क्योंकि अक्टूबर में मैंने अपने प्लांट की थोड़ा कटिंग की थी तो जो भी कटिंग से ब्रांचें निकली थी वो मैंने सब इसमें ग्रो कर दी और ये काफ़ी अच्छे से इसमें लग भी गई हैं। और कटिंग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि कटिंग में आप ज़्यादा पानी ना डालें। अगर आप जेट प्लांट की कटिंग में ज़्यादा पानी डालते हैं तो इसकी कटिंग नीचे से बिल्कुल गल सी जाती है और काली पड़ के ख़राब हो जाती है। इसलिए पानी तभी डालें जब आपकी पॉट की मिट्टी अच्छे से सूख जाए। और कटिंग को हमेशा छाया वाली जगह पर रखें। कटिंग को अगर आप फुल सनलाइट पर रखते हैं तो वो कटिंग सूखने लगती है, तो इसलिए कटिंग को छाया वाली जगह पर रखें। और जब आपको लगे कि कटिंग के ऊपर से नई नई ग्रोथ आने लगी है तो आप इसे सनलाइट में रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी जेट प्लांट की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। साल भर इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है, बस थोड़ा सा हमें इसमें वाटरिंग का ख्याल रखना पड़ता है इसकी कटिंग में। और अगर आपके वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है अप्रैल मई जून जुलाई इन मंथ में, तो इन 4 मंथ में आप इसकी कटिंग को ग्रो ना करें, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी में थोड़ा सा कटिंग की रूट्स बनने में टाइम लगता है या फिर उनकी रूट बन नहीं पाती। तो इस तरीके से आप भी जेट प्लांट की कटिंग को ग्रो करिए। बहुत ही आसानी से आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे आपको इसमें रिजल्ट मिलेंगे। और जब भी आप जेट प्लांट को कटिंग से ग्रो करें तो जो आपने कटिंग लगाई है उन्हें 1 महीने तक हिलाएं डुलाएं नहीं, क्योंकि हम जब भी कटिंग लगाते हैं तो हमें बहुत वो रहती है कि हम इसकी रूट्स आए नहीं आए, तो बार बार हम कटिंग को निकाल के देखते रहते हैं। तो इस ऐसे करने से जो उसमें छोटी छोटी सी रूट्स बन रही होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो पूरा 1 महीने का टाइम लगता है जेट प्लांट की कटिंग से रूट आने में, तो इसलिए जब तक आपको लगे नहीं कि कटिंग में ऊपर से नई नई ग्रोथ हो रही है तब तक अपनी कटिंग को हिलाएं डुलाएं नहीं। अगर आप बार बार कटिंग को हिलाएंगे डुलाएंगे तो आपकी कटिंग बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो आप भी इस तरीके से जेट प्लांट की कटिंग लगाएं। अगर आपके पास जेट प्लांट का प्लांट नहीं है तो कहीं से छोटी छोटी कटिंग्स ले लें और इन्हें घर पे इस टाइम पे ग्रो कर लें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।